आज हम बात करेंगे मिस्टर अजय केडिया जी से। आज डॉलर का भी बताएंगे। अजय सर, डॉलर के बारे में क्या लगता है? धन्यवाद जी। डेफिनेटली अगर यूएसडी की अगर बात करें तो काफी टाइम से हम एक सेमी बैरियर में ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ने जिस दिन से पिछले हफ्ते में 74 के लेवल से उठा है, हमने देखा कंटिन्यू डॉलर में मजबूती आ रही। इंटरनेशनल में भी हमने देखा इलेक्शन के बाद डॉलर में एक रिकवरी है। डॉलर इंडेक्स 63 का लेवल पार कर चुका है। डेटा पॉइंट धीरे धीरे पॉजिटिव आते जा रहा है, जिसके चलते ओवरऑल डेटा में हमने पॉजिटिवनेस देखा है। बट थोड़ा सा हम कंसर्न है यूएसडीआर को लेकर, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट कंटिन्यू तेजी में नया हाई बनाते जा रहा है, वहीं उसके विपरीत हमने देखा कि यूएसडीआर में जो तेजी है, जो कहीं ना कहीं रुपए में कमजोरी दिखा रहा है। तो वो तो हमें लगता है कि अभी जब तक कोई नया ब्रेकआउट नहीं आता है, 74 से 75 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ रहेगा। अनलेस एंड अंटिल 7480 या 7485 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज नहीं आता है, मार्केट ये दायरे में ही रहेंगे। एक बार 7485 के ऊपर निकलता है तो फिर से हम 7520 तक का भी लेवल देख पाएंगे, बिकॉज इंटरनेशनल में डॉलर में कंटिन्यू तेजी। हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा काफी रिकवरी दिखा रहा है पिछले 2 बार में। हमने पहले हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छी तेजी, बहुत बढ़त आई थी लॉकडाउन को लेकर, बट अब धीरे 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 इकोनॉमी पटरी पे आ रही है। वहीं हमने देखा यूएस में 10 ईयर्स के जो ट्रेजरी नोट्स है, यहाँ पे भी हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा। बट अभी ओवरऑल हमें लगता है कि यूएसडीआईएनआर में एक तेजी का रुख रहेगा। डॉलर इंडेक्स 9350 तक का लेवल दिखा देगा और 7440 7435 की रेंज में मिलता है तो यूएसडीआईएनआर को लेकर चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 7470 का ही रहेगा, फिर वेट कीजिए। अगर 7485 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज होता है तो फ्रेश तेजी चालू होगी, जो करीबन आपको 7520 तक का लेवल दिखा देगी। अदरवाइज 7430 से लेकर 7480 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा अगले 2-3 दिन।